हेलो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके पटेल फार्मर्स ड्राइव में। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक बार वीडियो लेकर आया हूँ, नया ट्रैक्टर वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको ट्रैक्टर वीडियो दिखाऊंगा। 16 जनवरी 60 24 जो ये ट्रैक्टर 60 HP का ट्रैक्टर है और ये आपको शानदार बोनट में ट्रैक्टर मिलेगा। ये ट्रैक्टर आपको 4 सिलेंडर में मिलेगा। बात करते हैं इसके फ्रंट से, आपको फ्रंट में इसके 4 प्रोजेक्टर एडल मिलेंगे और जो कि ट्रैक्टर की लुक को 4 चांद लगाते हैं। आपको सामने एक ये वेट मिलेगा ट्रैक्टर को एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पे इसका बटन है, नीचे बटन दबाने से ट्रैक्टर खुल जाएगा। ये वाला बटन, ये बटन है, खोलिए इसे, पकड़ेगी तो इस बटन से ही ट्रैक्टर, ये वाला बटन है यहाँ पर, ये वाला इस बटन से ट्रैक्टर खुलेगा, इस बटन से दोनों हाथों से। और ड्राई टाइप इसके अंदर आपको एयर के अंदर मिलेगा। इसके अंदर आपको सारे बता रखे हैं, उसकी प्रिकॉशन वगैरह इसके अंदर दे रखी है इसके अंदर, और यहाँ पे मिलेगा। और बैटरी ट्रैक्टर को बोनट के अंदर मिलेगी आपको, और सिंगल पीस बोनट है ट्रैक्टर, और डबल हाइड्रोलिक लैंप दिए गए इसके अंदर ताकि हाइड्रोलिक जैक दिया जाए ताकि किसान को उठाने में कोई दिक्कत ना हो। और बड़ी रेडिएटर दिए गए इसके अंदर, रेडिएटर दिया गया ताकि ट्रैक्टर में कूलिंग बनी रहे। और ये अलग से इसका फ्यूल दिया गया ताकि इसमें डालते कम पड़ जाए, यहाँ से फ्यूल ले लेगा। ये 4 सिलेंडर का इंजन दिया गया है और बोस का इसके अंदर इनलाइन पंप दिया गया इस ट्रैक्टर के अंदर। और ये पावर स्टेयरिंग भी अलग से फ्यूल दिया गया इसका। और ट्रैक्टर में बात करें फ्रंट टायर की, जिसके अंदर आपको फ्रंट टायर मिलेगा 7x16 का फ्रंट टायर मिलेगा और एडजस्टेबल एक्सल मिलेगी, डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग में ट्रैक्टर मिलेगा आपको। बात करें इसकी पावर की, दोस्तों ट्रैक्टर आपको 60 HP में ट्रैक्टर मिलेगा। और इस ट्रैक्टर में बात करें ब्रेक्स की, तो दोस्तों के अंदर आपको दोस्तों जो ब्रेक मिलेंगे जो मल्टी डिस्क ऑयल डिस्क ब्रेक मिलेंगे इसके अंदर। और इसके टायर इसके ट्रैक्टर के अंदर आपको 16x28 का मिलेगा और वेट के साथ ही ट्रैक्टर मिलेगा आपको, 48 kg की प्लेट लगेगी इसके अंदर। और इस जो ये लगा हुआ पीछे के नाम फ्रंट एक्सल के नीचे, इसको बचाने के लिए ट्रैक्टर की पावर स्टीयरिंग लाइफ को बढ़ाने के लिए नीचे प्रोटेक्शन कवर लगाए हुए हैं इसके नीचे, और ट्रैक्टर से हीट ना जाए किसान के पैरों में, इसके लिए आपको ये हीट गार्ड दे रखा है ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना है। ये पैर वाली रेस दे रखी है यहाँ पे, ये डिफरेंशियल लॉक दे रखा है इसका। अब बात करते हैं इसकी गियर बॉक्स की, दोस्तों इसके अंदर आपको शटल शिफ्टर के साथ 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स में मिलेगा ट्रैक्टर। और इस ट्रैक्टर में आपको टूल बॉक्स साइड में मिलेगा और ऊपर चढ़ने के लिए डंडा पकड़ने के लिए यहाँ से ऊपर बैठने के लिए आराम से, कोई दिक्कत ना था किसान को। फ्लैट प्लेटफॉर्म दिया गया इसके अंदर और साइड शिफ्टर में गियर दिए गए इसके अंदर, एडजस्टेबल सीट दी गई इसकी। बात करें ट्रैक्टर के इंजन की सीसी की, तो इसके अंदर आपको 4087 cc का इंजन मिलेगा इसके अंदर आपको। और जो इंजन रेटेड स्कॉर्पियम है वो 2100 rpm दिया गया इस ट्रैक्टर का। अब बात करें इसकी PTO HP की, तो दोस्तों इसके अंदर 51 HP की PTO HP दी गई है। और क्लच इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, ड्यूल और डबल क्लच दोनों में आपको ट्रैक्टर उपलब्ध हो जाएगा। और जितना ट्रैक्टर फॉरवर्ड में भागता है उतना ट्रैक्टर रिवर्स में भागता है, तो दोस्तों इसके फॉरवर्ड और रिवर्स में मैक्सिमम स्पीड दोनों में है 34 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है दोनों में ही। तो दोस्तों मुझे बताया इसके अंदर आपको मल्टी डिस्क ऑयल इमर्जेंट ब्रेक मिलेंगे इसके अंदर आपको। और इसकी जो पीटो चक्कर मिलेंगे आपको 45 चक्कर अपने आराम से मिल जाएंगे इकोनॉमी पीरियड टाइम पीरियड में मिल जाएंगे इसके। और उसके जो फ्यूल कैपेसिटी दोस्तों दी गई है वो 65 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी दी गई इसकी। अब बात करें इसकी टोटल वेट की, तो ट्रैक्टर का टोटल वेट आपको मिलेगा 2450 kg ट्रैक्टर का टोटल वेट मिलेगा। और जो ट्रैक्टर का व्हील बेस है वो आपको 2210 mm मिलेगा और प्लस माइनस 10 mm ट्रैक्टर का एडजस्टेबल एक्सल होने के कारण कम ज़्यादा किया जा सकता है इस ट्रैक्टर का व्हील बेस। और ट्रैक्टर की ओवरऑल लेंथ मिलेगी आपको 3760 mm मिलेगी और ओवरऑल विड्थ 1990 mm मिलेगी। और जो इसमें ट्रैक्टर में खास बात है, सबसे ज़्यादा इस श्रेणी में वो आपको लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलेगी, वो है आपको 2500 kg की लिफ्ट कैपेसिटी दी गई है। और मजबूत हिच के साथ और 3-point linkage सिस्टम के साथ ये दिया गया है आपको ताकि किसी भी मिट्टी में काम करने में सक्षम हो, ट्रैक्टर में वाइब्रेशन कम हो, फील हो, इसलिए दोनों मडगार्डों के बीच में आपको कनेक्शन दिया गया है ताकि वाइब्रेशन ट्रैक्टर में ना के बराबर हो। और डिलक्स सीट दी गई इसके अंदर, पीछे ये रिफ्लेक्टर दिया गया है और बोटल होल्डर के साथ ट्रैक्टर की सीट दी गई है ये। और ये कुछ पीछे इंप्लीमेंट जोड़ने के लिए, इसमें लाइट वगैरह कनेक्ट करने के लिए आपको ये सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। अब बात करें इसकी उसकी, ये ट्रैक्टर जो वाला ट्रैक्टर है टू व्हील ड्राइव में ट्रैक्टर दिया गया है। उस कॉम्पिटिटर की बात करें तो जॉन डीयर का इसका 50/65 DI और एस का 6500 NG, आइसर का आपको मिलेगा इसके अंदर 60 HP का ट्रैक्टर
से कॉम्पिटिटर में मिलेगा, और फार्म ट्रक का 60-55, न्यू वर्ल्ड का 36-30, इसके वो कॉम्पिटिटर मिलेंगे। इस ट्रैक्टर में आपको ऊपर चढ़ कर दिखाता हूँ, साइड में आपको टूल बॉक्स मिलेगा, इसके ऊपर चढ़ने के लिए पकड़ने के लिए डंडा दिया गया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पहले सी सोल्स यहाँ पे बैजिंग मिलेगा आपको, स्टाइलिश मीटर दिया गया इसका, स्टाइलिश मीटर, यहाँ पे फ्यूल गेज, यहाँ पे कितने घंटे ट्रैक्टर चल गया, ये आरपीएम मीटर पूरा, और ये टेम्परेचर गेज ट्रैक्टर का, ये शटल शिफ्टर में दिया गया यहाँ पे, यहाँ से लाइट कंट्रोल होंगे इसकी, और ऊपर नीचे इंडिकेटर होंगे, यहाँ पे इंडिकेटर हैं, और ये जैसे शटल शिफ्टर ये फॉरवर्ड में है, शटल से दबा के अब ये रिवर्स में लग गया, ये फॉरवर्ड में है, और ये इसकी हजार लाइट के ऑन, यहाँ से इसके हजार लाइट ऑन होगी इसकी। ये ट्रैक्टर का हैंड ब्रेक यहाँ पर लग दिया गया है इसका अलग से, ये पीटीओ एंगेज करने के लिए लीवर दिया गया है 540 पीटीओ, और रिवर्स पीटीओ यहाँ पर दिया गया इसके, और ये डिफरेंशियल लॉक यहाँ पे, ये पैर वाली रेस, ये ट्रैक्टर के ब्रेक कंट्रोल करने के लिए एक ब्रेक, दोनों ब्रेक यूज करने हैं, एक करना है इसके लिए, यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा, ये यहाँ पर इसकी चाबी लगेगी, और 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, यहाँ से ट्रैक्टर बंद होएगा। अब मैं इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करके दिखाता हूँ दोस्तों, इस ट्रैक्टर के मैं आपको दिखाऊंगा फर्स्ट इंप्रेशन, इस ट्रैक्टर का चाबी लगाते कैसा होता है, कितना शानदार इसका फर्स्ट इंप्रेशन आपको दिया गया। यहाँ पे आपको बैटरी का इंडिकेशन मिलेगा, और ये यहाँ पे कितना न्यूट्रल है या कौन नहीं है, ताकि ये इसका शटल शिफ्टर के साथ है। अब मैं इस ट्रैक्टर को स्टार्ट कर दिखाता हूँ, कैसे आवाज मिलेगी, लाइट ऑन करने के बाद इसका ऐसे कुछ इंप्रेशन होगा। तो दोस्तों इसके स्टीयरिंग देखो कितना स्मूथ स्टीयरिंग दिया गया है, ट्रैक्टर में शानदार फीचर आपको मिलेंगे इसके अंदर। यहाँ पे फ्यूल टैंक ओपन होता है, उसकी खास बात इसी एक हिसाब से फ्यूल टैंक इसका ओपन हो जाएगा, दूसरी चाबी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और सीट आपको यहाँ पे डिलक्स सीट मिलेंगी, इसके पीछे एलोजन लाइट मिलेगी यहाँ पे, और इस ट्रैक्टर में शानदार LED लाइटें दी गई हैं, इंडिकेटर लाइटें दी गई हैं इसकी, ये देखो शानदार यहाँ पे, और ऊपर बैठने के लिए पकड़ने के लिए किसान के सपोर्ट के लिए आपको डंडे मिलेंगे दोनों साइड डंडे, और अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे दिया गया है इसका, तगड़ा स्पेस दिया गया, साइड पे अच्छा खासा स्पेस दिया गया है, और साइड शिफ्टर में गियर बॉक्स दिया गया है इसका, और ये यहाँ पे इसको ADDC लीवर आपको यहाँ पे मिलेंगे इसके, और ट्रॉली उठाने के लिए अलग से आपको लीवर उठाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ट्रॉली उठा सकते हो, और डबल ओजरी वाले साथ आपको ट्रैक्टर दिया गया, ताकि आपको इस जो कंप्यूटर वर्ड में ट्रैक्टर आराम से चला, कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों आपको ट्रैक्टर कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो ज़्यादा शेयर करें, और इस ट्रैक्टर में जैसे 46 में आपको 42-15 है, और एक ही पीछे 50-15 खड़ा है, हम इसकी भी आपको इसके लिए वीडियो जल्दी लेके आएँ चैनल पे, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे बने रहें, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।